जाता हूँ। कापासेड़ा बाड़त पे मेरी कथा चल रही थी, कल ही समाप्त हुई। मैं इतना ही कहूँगा कि परिवार मिलन समारोह था यहाँ पर मकर संक्रांति है, और परिवार से मिले, बड़ी आनंद आया। और मैं इतना ही कहूँगा कि सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। और यहाँ बात चल रही थी कि आप क्रांतिकारी कथावाचक हैं, कल के न्यूज में भी आपने बोला है सत्य सनातन धर्म के बारे में, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए सनातन धर्म प्राचीन धर्म है। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार 1,66,43,40,418 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, और 2019 प्रसाद वर्ष चल रहा है, जिसमें सनातन धर्म सारे धर्मों का बाप है, क्योंकि सनातन की उत्पत्ति का आंकड़ा अभी तक लग नहीं पाया है, इसलिए इसको आदि धर्म बोला जाता है। सना हुआ तन को ही सनातन कहते हैं। मैं पूर्व भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि जितने आप तन देख रहे हैं इस भारत में, तन का मतलब शरीर, जितने भी तन देख रहे हैं वह सब का सब सनातन है। सना हुआ तन को ही सनातन बोलते हैं। बाद में अगर धर्म की भी बात की जाए तो सनातन धर्म के बाद ही कोई धर्म आता है, और सबके धर्मों की स्थापना किसने किया, क्या किया, सबका है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म है इनका आंकड़ा तो भगवान, जैसे हम और आप हैं उस तरह हमारे मूल देवता भगवान विष्णु भी, मूलम भी विष्णु देवानाम यत्र तत्र सनातन, भगवान विष्णु भी सनातन धर्म के एक सदस्य रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म कब का होगा। और विशेष रूप से मैं क्या कहूँ, जो विरोधाभासी बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात कि वाणी पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। कल ही कल अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के भी बारे में कांग्रेस किसी नेता ने बोला, किसी के स्वास्थ्य खराब हो और उस पर जो है टिप्पणी करना, उसके लिए हास्यास्पद बात बोलना, ये अशोभनीय है, क्योंकि वाणी जब बिगड़ता है ना तो मन बिगड़ जाता है, और मन बिगड़ जाता है तो विचार बिगड़ जाता है, विचार बिगड़ जाता है तो व्यवहार बिगड़ जाता है, और व्यवहार बिगड़ जाता है तो संस्कार बिगड़ जाता है, और संस्कार बिगड़ने के बाद तो उसकी ज़िंदगी बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाणी और दृष्टि दोनों को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बोल रहे थे क्रांतिकारी प्रवचन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों के लिए बताएं। क्रांतिकारी प्रवचन में यही थोड़ा, इसलिए मुझे क्रांतिकारी प्रवचनकर्ता 2009 में मुझे भारत शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये मिला अवार्ड। क्रांतिकारी ये हुआ कि मैं कोई भी बात जो है स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ और प्रमाणित बोलता हूँ, जो बात लिखित है, प्रमाण है मेरे पास, जो भी बात है स्पष्ट बोल देता हूँ, इसलिए मुझे क्रांतिकारी लोग कहते हैं शौक से, क्योंकि मैं लोरी गाने का काम नहीं करता हूँ, मैं देश को जगाने का काम करता हूँ, और हिंदू योद्धा के मैं राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ, इसलिए मैं हिंदुओं को जगाने का काम, आप देख भी रहे हैं जब से ये राम जी का नारा चल रहा है, झंडा का, कितने पूरे देश में कम से कम राम राम हो रहा है, यही सबसे बड़ी मैं खुशी की बात है कि हिंदू जगे हैं। नहीं तो इसके पहले सब सेनावस्था में, इसका मूल कारण भाजपा है, भाजपा की देन है कि बीजेपी जगे भी है और हमारे हिंदू समाज जग रहा है। हिंदू देखिए, धर्म की निंदा करना और धर्म का निंदा सुनना दोनों बेकार है। चलिए ठीक है, कोई भी धर्म आपका हो, अपने धर्म तक उसको सीमित रखिए, लेकिन मेरे कहने का एक ही तात्पर्य कि धर्म के लिए मरना, धर्म की निंदा अगर आप कान से सुन लिए तो आप मरे हुए प्राणी हैं। धर्म की निंदा सुनना और धर्म की निंदा करना दोनों बेकार हैं। अगर आप सुनते हैं तो उसका जवाब देना, क्योंकि धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। आज क्या है यहाँ भारत में, क्या हो रहा है, धर्म की लड़ाई चल रही है, धर्म की ही लड़ाई चल रही है, सब लड़ रहे हैं राम मंदिर के। अभी तक 70 साल में कोई राम मंदिर का व्यवस्था नहीं चला, अब बीजेपी आई है, बीजेपी से सारी चीज की मांग हो रही है, कर भी रही है और करेगी भी, क्योंकि हमारे सारे संत समाज, सारे विद्वान लोग, हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग की आशा है कि राम मंदिर जरूर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राजनीतिक परिदृश्य को दूर करके देखें तो आप हमारे जो है क्या बोलते हैं समाज के लिए क्या कहेंगे, जो राजनीतिक से हट के बात करेंगे। हाँ देखिए, प्रवचन के माध्यम से क्या कहते हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं, क्योंकि हम लोग तो प्रवचन करता है, कथावाचक हैं, निमंत्रण आया, मंत्री जी के आवास पे आया हूँ और सबसे मिला। राजनीति से बिल्कुल मैं हटके ही बोलता हूँ, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो मुझे बुलाएगा उसके यहाँ जाऊँगा।
क्योंकि हम लोग भारत में हर एक राज्य में प्रवचन करते हैं और हम लोगों का काम है उपदेश देना, सुंदर से सुंदर उपदेश देना। तो मैं समाज के लिए दो ही बात बोलूंगा कि अगर आप दो चीज अपने आंख को और अपने बाणी को अगर सुधार लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका जीवन बन जाएगा। प्रमाण पहला देख लीजिए, मैं दे रहा हूं अपना रिसर्च किया हुआ बात कि आंख जब बिगड़ती है, किसी भी चीज को आप देख रहे हैं, आंख जब बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है तो विचार बिगड़ता है, विचार बिगड़ता है तो व्यवहार बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है तो संस्कार बिगड़ता है। इसके लिए मैं एक प्रमाण भी दे रहा हूं। मान लीजिए रावण की दृष्टि बिगड़ गई सीता को, मन विचार व्यवहार संस्कार चरित्र सब बिगड़ गया, लाखों वर्ष गुजर गए, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा, उसका नाम तक बिगड़ गया जो स्त्री को देखा। और प्रमाण लीजिए तो कंस की दृष्टि धन को देख के बिगड़ गई, मन विचार व्यवहार संस्कार सब बिगड़ गया, लाखों वर्ष गुजर गए, किसी बाप ने बेटे का नाम कंस नहीं रखा। तो समाज के लिए पहला उपदेश मैं ये दूंगा कि अपने दृष्टि से हर चीज देखिए लेकिन उस पर विचार करिए, क्योंकि यह बिगड़ेगा तो आपका जीवन बिगड़ेगा। तो पहले आप अपने आंख को नियंत्रण रखें। दूसरा होता है वाणी। हमारे समाज में हर चीज का बिगाड़ जो भी आप देख रहे हैं, अत्याचार बलात्कार, ये सब वाणी की देन है। एक छोटी सी अभद्र वाणी, एक छोटी सी दुष्टा वाणी कितने लोगों को बिगाड़ देती है। मान लीजिए वाणी क्या है, वाणी एक व्यक्ति बैठा, एक दामाद थे, उदाहरण में दे रहा हूं, एक दामाद थे, उनकी सास माँ उसे रसगुल्ला खिला रही थी, बड़ा प्रेम से कही खा लीजिए खा लीजिए, वो खाए बेचारे। उसके बाद एक और कही खाने के लिए, नहीं खाए, बोले खा लिए भाई और एक खा लीजिए, बोले नहीं माता जी अब नहीं खाएंगे, बड़ी प्रेम से बात चल रही थी। तब तक सास पता नहीं ये कह दिया कि खा लो तेरा बाप ने भी ऐसा रसगुल्ला नहीं खिलाया। तो बताइए जो दामाद रसगुल्ला खा चुका है वो रसगुल्ला जो भी खाया उसको निकालने की चेष्टा करेगा। तो दूसरी बात की बाणी और नयन दोनों सुधर जाए तो मेरा दावा है कि संसार के सभी लोग सुधर जाएंगे और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिल्कुल व्यस्त रहेंगे। इस जी इस कार्यक्रम में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।